इंडियन डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट विदा के तहत डीआरडीओ ने अपना वॉक स्टार्ट कर दिया है और अब मिलिट्री सैटेलाइट को इसरो के बदले डीआरडीओ ऑर्बिट में प्लेस करेगी और इससे होगा ये कि सीक्रेसी को और ज्यादा मेंटेन किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट विदा एक व्हीकल है जिसे डिफेंस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाना है और इसके लिए डीआरडीओ ने एक टेंडर को इशू किया है जिसके तहत विदा के लिए 5 प्रोपेलेंट टैंक को बनाया जाना है। प्रोजेक्ट विदा अगले 1.5 साल के अंदर टेस्टिंग के लिए बनकर तैयार हो जाएगा और प्रोजेक्ट विदा के तहत मिलिट्री जब चाहे अपनी सैटेलाइट को अब लॉन्च कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए डीआरडीओ ऑलरेडी एक फ्लोटिंग टेस्ट रेंज यानी कि FTR पे भी वर्क कर रही है जिसके तहत इसे कहीं भी डीप सी से आसानी से बिना नो टैम को जारी किए हुए नो फ्लाइंग जोन को आइडेंटिफाई करके इजिली सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया जा सकेगा। और यह इतना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इससे हम चाइना के ऊपर हर टाइम नजर रख सकते हैं।